हेलो हेलो, हम कंटिन्यू करते हैं अपना न्यू चैप्टर द मुगल एम्पायर। उससे पहले आगे आपको एक डाउट था कि तो रूलर ने इतने सारे काम किए जो फेल हो गए है ना, फिर भी हम उसको इतना अच्छा एम्पायर वो एम्पायर को मानते हैं, ताकि को मानते हैं। तो मेरी ये बात बताओ, गलतियाँ किससे नहीं होती? कौन है जिसका हमेशा 101% 100% रिजल्ट आता है? कोई ऐसा जिसका हमेशा 100% रिजल्ट आता हो, वो जो भी करे वो सारे काम में पास हो जाए? नहीं ना, कोई ना कोई किसी ना किसी काम में पीछे रह जाता है। पर उसका मतलब ये नहीं कि उसने जितने अच्छे काम किए आप उसको भूल जाओ। उसने कुछ गलत काम किए हैं, बिल्कुल किए हैं। कुछ काम उसके फेल हुए हैं, बिल्कुल फेल हुए हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो किसी चीज़ों में जिन चीज़ों में पास हुआ है उन चीज़ों का भूल जाओ। तो जिन चीज़ों में पास हुआ ना, उस वजह से लोग उसे ग्रेट मानते हैं, ना कि जिन चीज़ों में फेल हुआ है उस वजह से। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है उसका, बस यही सोच का फर्क है केवल, और कुछ नहीं। तो आते हैं हम न्यू चैप्टर पे अपने, द मुगल एम्पायर। द मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत के बाद जो एम्पायर बना वो यही एम्पायर था। दिल्ली सल्तनत के बाद जो एम्पायर बना वो यही एम्पायर बना। यही है जो अंग्रेजों के एम्पायर चला, एम्पायर चला। चलो पढ़ते हैं एक बार जरा, द मुगल एम्पायर। ऑन द ईव ऑफ बाबर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया इन 1526, इंडिया वॉज रूल्ड बाय ब्रेक अवे किंगडम्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। देयर वॉज नो पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी। वो कह रहे थे बाबर ने इंडिया में अटैक किया, जब बाबर इंडिया में इन्वेड किया, जब बाबर ने 1526 में, तो इंडिया जो था वो दिल्ली सल्तनत के छोटे छोटे किंगडम ऑफ से रूल होता था। ठीक है, वहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी स्ट्रांग थी नहीं। ठीक है, बंगाल, जौनपुर, गुजरात, मालवा, मेवात हैड ऑल बिकम इंडिपेंडेंट। ये सारे बड़ी बड़ी जगह जो थी वो सब इंडिपेंडेंट हो चुकी थी। दीज स्टेट्स वर ऑलवेज फाइटिंग अगेंस्ट वन अनदर विद द रिजल्ट दैट अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी एंड टेंशन रेंड सुप्रीम थ्रू आउट द कंट्री। ये जो स्टेट्स जिनके नाम पड़े हैं, ये सारे के सारे स्टेट्स आपस में लड़ती रहती थी, आपस में लड़ती रहती थी। इससे क्या हुआ विद द रिजल्ट, इससे क्या हुआ, इससे एक इनसिक्योरिटी टेंशन आ गए पूरे कंट्री वाइड, पूरे कंट्री में। हाउएवर दीज रीजनल किंगडम्स वन बाय वन केम अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल। लेकिन धीरे धीरे सारे के सारे किंगडम एक एक करके मुगल्स के कंट्रोल में आ गए। सोर्सेस हमें कैसे इनके बारे में पता चलता है? तो पहले एन अकबरी नाम का एक रिटर्न बुक कह सकते हो, एक कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो इट वॉज रिटन बाय अबुल फजल। इट वॉज रिटन बाय, नाम तो याद रखना है इनका, 9 जुएल में से एक थे अकबर के कोर्ट में। ये बीरबल भी थे इनमें से एक, एन फजल, वो अबुल फजल भी हैं। एन ए अकबर ये जो बुक लिखी हुई है, जो बायोग्राफी भी आप कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये जो है अबुल फजल ने लिखी थी, जो कि कौन है, अकबर के कोर्ट में एक मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उनके 9 रत्नों में से एक रत्न ये भी है, 9 ज्वेल में से 1 ज्वेल ये भी है। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री, इट वॉज अ लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग कमीशन बाय अकबर। इट वॉज अ पार्ट ऑफ अ लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री में, अगर हिस्ट्री की बात की है, तो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, मतलब सबसे बड़ा प्रोजेक्ट एक पार्ट था। ठीक है, जो कि अकबर ने शुरू कराया। इट इज रिगार्डेड एज अ प्रेशियस सोर्स मटेरियल फॉर नोइंग एडमिनिस्ट्रेशन कल्चर ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। इस एनी अक्वायरी को बहुत सोर्स माना जाता है, वो सोर्स माना जाता है। उस समय अकबर के बारे में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनके कल्चर के बारे में बहुत पता चलता है। दी एनी अक्वायरी, एनी अक्वायरी, ओके टू फाइव बुक्स, ओके टू फाइव बुक्स, ओके सर, इसके अंदर फर्दर 5 बुक्स रिलेट होती हैं। द फर्स्ट बुक डील्स विद इम्पीरियल हाउस होल्ड, याद रखना है। द फर्स्ट बुक डील्स विद द इम्पीरियल हाउस होल्ड।
The second book deals with the servants of the emperor, military, civil services. Third book deals with the imperial administration. ठीक है, ये इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ रेगुलेशन फॉर जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स, डिविजन ऑफ एम्पायर, सारी चीज बुक में लिखी हुई थी। सर फोर्थ बुक हिंदू फिलोसफी, साइंस, सोशल कस्टम्स एंड लिटरेचर। सर लास्ट बुक अकबर ने जो जो अच्छी बातें कही हैं वो। सर और क्या लिखते हैं, इनके पूर्वजों के बारे में भी, बायोग्राफी ऑफ द ऑथर ऑफ फजल, अपने बारे में भी उस बुक में लिखते हैं, फिफ्थ वाले पार्ट में है ना, अपने बारे में भी लिखते हैं। और यानी पहला सोर्स ये है सर, इससे पता चलता है एन अकबर से। दूसरा हमें इन मुगल्स के बारे में पता चलता है ताजमहल से। सर ताजमहल ये तो जाना पहचाना सा नाम है, अरे आप ही के शहर का है। रिकॉर्डिंग चल रही है? चल रही है। इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज महल। इट इज मजोलियम ऑफ बोथ मुमताज महल एंड शाहजहां। इट इज बिल्ट एट आगरा ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। इट वॉज डिजाइंड बाय उस्ताद शाह खान, जहाँ तक इंफॉर्मेशन करो जो नया भी है, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। एंड इट इज मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल। द मेन स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म। ऑन ईच ऑफ द फोर कॉर्नर्स ऑफ दिस प्लेटफॉर्म देयर इज अ हाई मिनारेट। इनकी बात कर रहे हैं वो। ठीक है, द सेंट्रल डोम राइजेस टू अ हाइट, इसकी जो हाइट है इतनी है। द इंटीरियर हैज एन ऑक्टागोनल, यानी आठ इसके वो हैं। ठीक है, चैम्बर। द मार्बल, देखो मैं अभी आपको सर यार हिंदी में क्यों पढ़ा रहा हूँ, देखो ये सारी चीज़ें आई थिंक आप बहुत इजीली समझ जाओगे, इंग्लिश में आप समझ गए होंगे, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, जहाँ मेरे को लगेगा एक्सप्लेन करना हो वहाँ मैं करूँगा। ठीक है, डोंट वरी। बड़ा चैप्टर है ये भी। द मार्बल डोम इन द सेंटर लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड लोटस। सर एकदम ऐसा लगता है कि गुलाब का फूल उल्टा कर दिया हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लोग इसको किस किस तरह से एक्सपीरियंस करते हैं। द एक्चुअल ग्रेव्स आर इन लोअर चैम्बर अंडरग्राउंड। सर एक्चुअल ग्रेव्स मतलब क्या, शाहजहाँ की और मुमताज की जो डेड बॉडीज हैं माना जाता है उनको यहाँ पे दफन किया गया है। ठीक है, द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ ताजमहल इज मेड ऑफ मार्बल। सर पूरा का पूरा जो ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है ना वो मार्बल से बना हुआ है। एंड द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद फ्लोरल डिजाइन, और जो वॉल्स हैं वो फ्लोरल डिजाइन से बनी हुई है, मेड ऑफ सेमी प्रेशियस स्टोन्स, काफ़ी प्रेशियस स्टोन्स से बनी हुई है। दिस मेथड ऑफ डेकोरेशन इज कॉल्ड पेट्रा डोरा। ये जो तरीका है ना इनका सजाने का है, सजाने के तरीकों को क्या बोला जाता है पहले, ये बोला जाता है अभी भी पेट्रा डोरा। ताजमहल ब्रॉट टुगेदर ऑल द आर्किटेक्चरल फॉर्म्स डेवलप्ड बाय मुगल्स लाइक मेसिव डोम्स ऑफ मार्बल, पेट्रा डोरा, इनले वर्क एंड कियोस्क। ताजमहल वॉज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। यूनेस्को ने ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया 1983 में। ठीक है, और उसको डिक्लेयर किया एज वन ऑफ द सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हो गया सर, ये तो हो गया ताजमहल। और हमें इन मुगलों के बारे में कैसे पता चलता है सर, जामा मस्जिद। सर तीन तीन पॉइंट, चार चार पॉइंट आपने अभी सर इतनी हिस्ट्री पढ़ी, जितनी भी आपने चैप्टर पढ़े, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ी, वहाँ पे आपको दो दो पॉइंट से ज़्यादा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिले ही नहीं।
अकबर ने आके या फिर मुगलों ने आके आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी ना, ये बहुत कुछ करके गए हैं। जामा मस्जिद भी है जिससे उनको आपको बारे में पता चलता है, दिल्ली का रेड फोर्ट भी है जिससे आपको उनके बारे में पता चलता है, चार्टर पॉइंट के बाद जानने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए एक्चुअली। जामा मस्जिद इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ, याद रखना है, ताजमहल तो पता ही होता है, ये भी किसने बनवाया था, शाहजहाँ ने। इंडिया में सबसे बड़े है ना, इंडिया में सबसे बड़े, इंडिया में है ना, इट्स कोर्ट यार्ड हैज द कैपेसिटी टू अकोमोडेट थाउजेंड्स ऑफ पीपल, एक बार में हजारों लोग आ सकेंगे इसमें। इट इज बिल्ट ऑन लॉफ्टी बेसमेंट विद मेजेस्टिक फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स लीडिंग टू इम्पोजिंग गेटवेज ऑन थ्री साइड्स ऑफ कोर्ट यार्ड। इट हैज थ्री गेटवेज, फोर टावर्स एंड 240 मीटर हाई मीनारेट कंस्ट्रक्टेड ऑफ लेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल। द नॉर्दर्न गेट, ये मेरे को ना यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है जगह कहाँ पे, पर आई थिंक ये फतेहपुर सीकरी में ही वाली जामा मस्जिद शायद, दिल्ली वाली तो ये दिल्ली वाली है, कौन सी वाली है, दिल्ली वाली भी हो सकती है, मेरे को ध्यान नहीं है कहाँ पे है, दिमाग से निकल रही जगह। क्या कह रहा है, इट इज बिल्ट ऑन अ लॉफ्टी बेसमेंट विद मेजेस्टिक फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, यानी काफ़ी सारी सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं यहाँ पे है ना, काफ़ी सारे इनका वो है स्ट्रक्चर। इट हैज थ्री गेट, तीन गेट हैं, चार टावर हैं, 240 मीटर के हाई मीनार भी हैं, ठीक है, जो लेडी सैंडस्टोन के व्हाइट मार्बल से बनी हुई है। जो नॉर्थ में जो गेट है, तीन गेट बोलते हैं, जो नॉर्थ में जो गेट है उसमें इतनी सीढ़ियाँ हैं, याद रखनी पड़ेंगी हमसे, हम पूछ सकते हैं आपसे। ईस्ट वाला गेट है उसमें 35 सीढ़ियाँ हैं, साउथ वाला गेट उसमें 33 सीढ़ियाँ हैं है ना। द फेस ऑफ इट्स स्पेसिस प्रेयर हॉल कंसिस्ट ऑफ 11 आर्चेस ऑफ विच द सेंट्रल आर्च राइजेस फार अबव द रूफ लेवल। यहाँ पे आर्चेस लगे हुए हैं, 11 11 आर्चेस हैं ब्रेक है ना, ब्रेक बीच में, जिसमें से जो सेंट्रल वाली जो आर्चेस है ना उसकी हाइट तो क्या है, रूफ से भी अबव है, रूफ से भी अबव है सर। फोर्थ में इन मुगलों के बारे में कैसे पता चलता है, मुगल एम्पायर के बारे में, रेड फोर्ट दिल्ली का, आगरा वाला नहीं दिल्ली वाला एक खेल है, तो उससे उससे पता नहीं चलता, उससे पता चलता है, पर मिनिमम दिल्ली को क्या इम्पोर्टेंस देते हैं लोग दिल्ली है ना, रेड फोर्ट के अगर बारे में बात की जाए, क्योंकि पहले दिल्ली में रेड फोर्ट बना था, बाद में उसकी कॉपी कर रही थी आगरा में है ना। इट वॉज बिल्ट बाय शाहजहाँ आफ्टर ही डिसाइडेड टू शिफ्ट हिज कैपिटल, ये भी किसने बनाई थी, शाहजहाँ ने, कब, जब उन्होंने डिसाइड किया कि अपनी कैपिटल को शिफ्ट करें दिल्ली में। इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना, सर ये भी यमुना पे लोकेटेड है, किनारे पे लोकेटेड है हाँ। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज इन द कंस्ट्रक्शन, द फोर्ट हैज मैसिव वॉल्स एंड टू गेटवेज, द वेस्टर्न गेटवे, सर यहाँ पे दो गेटवे हैं ठीक है, जो वेस्टर्न गेटवे है उसको हम लाहौरी गेट के नाम से जानते हैं। द गेट वॉज यूज फॉर एम्परर सेरेमोनियल पर्पजेज, एम्परर की जितनी भी सेरेमनीज होती थी वो हम यहाँ पे सेलिब्रेट करते थे। अमंग दी मैनी इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स इन दी कॉम्प्लेक्स, सर इसी के अंदर रेड फोर्ट के अंदर और क्या क्या इम्पोर्टेंट जगह है, दीवान आम, दीवान खास ठीक है, और ये याद रखना कौन सा किसके लिए है, दीवान आम किसके लिए है, ये लेविसली ऑर्नामेंटेड हॉल है वेयर द पिकॉक थ्रोन वॉज प्लेस्ड ठीक है किस लिए। द हॉल वॉज यूज बाय एम्परर टू गिव ऑडियंस द प्रिंसेस ऑफ रॉयल फैमिली नोबल्स एंड अदर इम्पोर्टेंट डिग्नेटरीज, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर खास लोग आते हैं, जहाँ पर खास लोग इकट्ठे होते हैं, दीवाने खास, दीवाने खास सर, दीवाने आम के तो यहाँ पे आम लोग इकट्ठे होते हैं ठीक है, यहाँ पे दीवाने आम आई थिंक अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, तो फिर मैंने आपको छोटा सा डिफरेंस बता दिया है। औरंगजेब लेटर बिल्ट द मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट, से बाद में औरंगजेब ने और क्या करवाया, इसके अंदर एक मोती मस्जिद भी बनवा दी। इट इज मेड ऑफ प्योर मार्बल, प्योर मार्बल क्यों नहीं है, द रेड फोर्ट इज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट ठीक है,
many historical events are connected with this quote. The Prime Minister of India every year unfurls the national flag from its ramparts on the Independence Day. ये तो आपको पता ही है कि हमारे यहाँ के जो हमारे जो पीएम होते हैं वो भी जो हमारा नेशनल फ्लैग जो होता है उसको कहाँ से अनफर्ल करते हैं, यहीं से। अब थोड़ा इनके बारे में पढ़ते हैं। मुगल डायनेस्टी के सबसे पहले रूलर बाबर, सबसे पहले रूलर या फाउंडर भी कह सकते हो, फाउंडर कौन थे? बाबर। बाबर हुज फुल नेम वाज जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर, है ना। वाज अ डिसेंडेंट ऑफ तैमूर, ये तैमूर के बेटे थे, द मंगोल रूलर, जो कि मंगोल के रूलर थे, है ना। यानी सर ये कहाँ के थे? ये अफगानिस्तान के और पर्शिया के प्लेस के थे, ये मंगोल के रूलर के बेटे थे ये तैमूर के, है ना। याद रखने ये चीज़ें आपको एमसीक्यू में खुशी पूछ सकते हैं। एट काबुल ही कार्व्ड आउट अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी। एट काबुल, काबुल में क्या थी? छोटी सी प्रिंसिपैलिटी उन्होंने अपने लिए निकाली। क्या? हैविंग एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एट काबुल, बाबर टर्न्ड हिज आईज अपॉन इंडिया। अच्छा, अपने आप को काबुल में एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं इंडिया की तरफ भी अटैक करूँ, इंडिया को भी अपने कंट्रोल में लूँ। दौलत खान लोधी द गवर्नर ऑफ पंजाब इनवाइटेड बाबर टू ओस्ट इब्राहिम लोधी फ्रॉम द थ्रोन। एक वर्ड आया था उसका मीनिंग लिखो। मैं इसका हिंदी में मीनिंग दूसरा जब उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बताऊँ। ड्रैग आउट, हाँ ड्रैग आउट, देखो बाहर निकलना, ड्रैग आउट, ड्रैग आउट। लिख लिया। दौलत खान लोधी जो कि पंजाब के गवर्नर थे, पंजाब के गवर्नर थे, उन्होंने इनको इनवाइट किया, उन्होंने इनको इनवाइट उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनको इनवाइट किया इब्राहिम लोधी को, वो है ना, सॉरी इनको दौलत खान लोधी ने इनको इनवाइट किया बाबर को और कहा कि आप आओ और इब्राहिम लोधी को यहाँ से उनके सिंहासन से भगा दो, यहाँ से हटा कर भेज दो, इनको यहाँ से भगा दो, ठीक है। काफ़ी अच्छी बात है सर, इनको 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 एक अपॉर्चुनिटी मिल गई, इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सर कभी नाम सुना है पानीपत बैटल का? इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर डिफीटेड। ओके सर, पहली बैटल में ख़त्म, हाँ पहली बैटल में खेल ख़त्म। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहाँ गए बाबर डिफीट इमाम लोधी एंड ऑक्वाइड दिल्ली एंड आगरा। ओके सर, सीधे उन्होंने दिल्ली आगरा पर कंट्रोल किया। बाबर हैड टू वेस्ट टू अदर वॉर्स, बाबर को दो वॉर और लड़ने थे, अगेंस्ट राणा संग ऑफ मेवार एंड अदर अगेंस्ट द ईस्टर्न अफगान, ठीक है। बिफोर ही कुड कंसोलिडेट हिज होल्ड ऑन दिस एरिया, इससे पहले कि वो इन एरियाओं पर कंट्रोल करता, है ना, यानी वो इन एरियाओं को कंसोलिडेट करता, उससे पहले इनको सारी जगहों को भी जीतना था, है ना। द बैटल ऑफ खंडवा वॉज फियर्सली फॉट बिटवीन बाबर एंड राणा संघर्ष फोर्सेज, राणा संघर्ष फोर्सेज वर डिफीटेड। ओके ये भी सर हार गए। द बैटल ऑफ खंडवा सिक्योर्ड बाबर्स पोजीशन इन दिल्ली आगरा रीजन, बाद में सर कोई खंडवा का जो रीजन था उससे उनकी दिल्ली आगरा की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो गई, सिक्योर हो गई। इन 1529 बाबर मेट द कम्बाइंड फोर्सेज ऑफ अफगान, उन्होंने अफगान के जितने भी पुराने रूलर थे उनसे लड़ाई की, एंड नुसरत साहब बंगाल इनसे भी, एडिट बैटल ऑफ घाघरा नियर द जंक्शन ऑफ गंगा रिवर घाघरा रिवर विद द गंगेज, है ना। बाबर क्रॉस द रिवर एंड कंपेल द बंगाल, कंपेल मतलब फोर्स करना, उनको फोर्स किया बंगाल को एंड द अफगान आर्मी टू रिट्रीट, उनको भगा दिया। हाउ एवर ही कुड नॉट विन अ डिसीजिव विक्ट्री,
हाँ एक डिसाइडेड एकदम विक्ट्री नहीं ले पाए वो, कि मतलब आपको विक्ट्री कैसे को, फिर उन्होंने उनको भगा दिया। ही डाइड इन 1530। बाबर की डेथ कब हो गई? 1530 में हो गई, इवन बिफोर ही कुड स्टेबलाइज द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को स्टेबलाइज नहीं कर पाया उससे पहले उनकी डेथ हो गई। बाद में उनके बेटे अकबर, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल रूलर्स ऑफ इंडिया। इंडिया की बात कर रहे हैं अभी, ये मत करना कि मुगल रूलर्स में सबसे अच्छे रूलर थे ना, ये मुगल रूलर थे कहाँ के? अफगान के, कहाँ के थे? पर्शिया के, मंगोल रूलर थे ये। तो उनमें हो सकता है इनके फादर अच्छे रूलर रहे हों, तिमूर अच्छे रूलर रहे हों, कोई बात नहीं। इंडिया में तो लोगों ने रूल किया मुगल रूलर्स में से, इंडिया में मुगल रूलर्स में से जितने रूलर्स ने कंट्रोल किया या रूल किया उनमें से सबसे अच्छे रूलर ये बने। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ मुगल रूलर्स ऑफ इंडिया। ही वॉज ओनली 13 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही असेंडेड द थ्रोन। 13 साल के थे केवल जब राजा बन गए, राज सिंह उन्होंने पे बैठ के थे। एंड वॉज गाइडेड बाई हिज ट्यूटर बैरम खान, उनके जो ट्यूटर थे बैरम खान वो उनको गाइड करते थे। अकबर सक्सेड टू अ डिफिकल्ट पोजिशन, अकबर ने अपनी मतलब काफ़ी डिफिकल्ट पोजिशन को सक्सेड किया, हैड टू वर्चुअली रिकॉन्कर हिज एम्पायर और अपने एम्पायर को वापस जीता। आपको अगर मैंने कहीं बताया होता हूँ कि बैरम खान जो था, क्योंकि अकबर छोटे थे तो बैरम खान इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहते थे और उनकी पोजीशन को हटाना चाहते थे, तो काफ़ी डिफिकल्ट पोजीशनों के बाद भी अकबर ने अपना एम्पायर वापस ले लिया। द अफगान्स वर रीग्रुपिंग देयर फोर्सेस अंडर द लीडरशिप ऑफ हेमू। सर जो अफगानी जो भाग गए थे वो अपने आप को दोबारा से इकट्ठा कर रहे थे, एक अलग दोबारा से ग्रुप बना रहे थे अंडर द लीडरशिप ऑफ हेमू द वजीर ऑफ आदिल शाह, आदिल शाह के जो वजीर थे, फॉर अ फाइनल शो डाउन। फाइनल शो डाउन के एक लास्ट बार एक बार अपनी पावर दिखाई दें, एक बार लास्ट बैटल वो करना चाहते थे विद द मुगल। इन द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत द मुगल फोर्सेस लेड बाय बैरम खान। सर सेकेंड बैटल में ऐसा जो इनके जो कमांडर थे इनकी आर्मी के, उन्होंने हेमू को हरा दिया। आफ्टर हैविंग स्टेब्लिश हिमसेल्फ इन दिल्ली ने आगरा, उन्होंने अपने आप को दिल्ली और आगरा में स्टेब्लिश कर लिया। अकबर ने कैप्चर किया मालवा, गोंडवान, बंगाल, गुजरात, कश्मीर, काबुल। ही वेंचर्ड बियॉन्ड द विंध्याज इन डेक्कन, सर वो डेक्कन से भी आगे चलेगा। एंड आफ्टर स्टिफ रेजिस्टेंस, काफ़ी रेजिस्टेंस के बाद डिफीट, फिर भी इन्होंने डिफीट मैनी लोकल रूलर्स, सर काफ़ी उनके पास विरोध आया, काफ़ी मतलब फोर्स थी, फिर भी उन्होंने लोकल रूलर्स को वहाँ पर हराया। फाइनली अहमदनगर, बेरार, खंदेस ये सब मुगल एम्पायर में नेक्स्ट हो गए। ही ऑल्सो सबड्यूड राजपूत प्रिंसेस, उन्होंने राजपूत प्रिंसेस को भी भगाया एक्सेप्ट मेवाड़, मेवाड़ को छोड़ के। एज अ रिजल्ट द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फोर्ट, और इसी की वजह से राजपूत रूलर और मुगल रूलर्स के बीच में हल्दी घाटी पर फेमस बैटल हुआ। तो 1576 में लिखा गया था महाराणा प्रताप के बीच में मुगल आर्मी जिनके लीडर कौन थे, राजमान सिंह थे। महाराणा प्रताप फॉट विद मेस्टर्स करेज बट हैड टू एस्केप फ्रॉम द बैटल फील्ड व्हेन ही वाज हैवली बाउंडेड। आपको ध्यान हो, आपने बचपन में स्टोरी सुनी हो अगर इनकी, तो महाराणा प्रताप बैटल छोड़ के नहीं भागे थे एक्चुअली, इनके घोड़े का नाम चेतन था, आपको ध्यान। तो इनका घोड़ा मतलब इतना इनसे प्यार करता था, इनके घोड़े को पता लगे ना कि ये वॉर में जख्मी हो चुके हैं, बाउंडेड हो चुके हैं, इनके चोट लग चुकी है, इनका घोड़ा इनको लेकर भाग गया था, इनका घोड़ा इनको लेकर भाग गया था, ये खुद नहीं भागे थे, इनका घोड़ा इनको लेकर भाग गया था, उस तो घोड़े को इनकी चिंता थी। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, अकबर डाइड इन 1605। अकबर की डेथ हो गई 1605 में। बाय द टाइम अकबर डाइड हिज अथॉरिटी हैड एक्सटेंडेड फ्रॉम आसाम इन द ईस्ट टू एरियाज बियॉन्ड द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर, यानी काफ़ी आगे तक इनका एम्पायर एक्सटेंड हो चुका था। इन द डेक्कन, तो डेक्कन की बात करें तो उनका जो डोमिनेंस था वो कहाँ कहाँ पे था, अहमदनगर में था, खंदेस, बेरार, ठीक है इन जगहों पे, द किंगडम्स ऑफ मुल्तान, सिंध, गुजरात, कश्मीर, बंगाल, सर ये सारे बंद हो गए, फिर केवल इनका मुगलों का ही रूल रहा वहाँ पे। अकबर राजपूत पॉलिसी, अकबर की राजपूत पॉलिसी थी कुछ, क्या थी वो पढ़ते हैं, कैसी थी ये पढ़ते हैं। द राजपूत पॉलिसी ऑफ अकबर प्रूव टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट्स, जो उनकी राजपूत पॉलिसी थी ना इसको ग्रेट अचीवमेंट्स में से एक अचीवमेंट माना जाता है। ही एंटर्ड इनटू मैरिज लाइन, हाँ आपको शायद मैंने कहीं बताया हो कभी, मैंने आगे नहीं पढ़ा आगे क्या लिखा हुआ है। मैरिज लाइन से अगर आपको मैंने कहीं बताया हो कि दो तरीके होते हैं, किसी जगह को जीतने के, या तो आप वहाँ पर अटैक कर दो या फिर आप वहाँ पर खुशी खुशी वहाँ पर क्या कर लो,
दोस्ती कर लूँ वहाँ पे। तो पहले लोग क्या करते थे, पहले लोग पता है क्या करते थे, वो जाते थे उन्हें जिस जगह पे कंट्रोल करना होता था, वो वहाँ पे जाके उनकी प्रिंसेस से शादी कर लेते थे, उस किंगडम की प्रिंसेस से शादी कर लेते थे, ताकि अब वहाँ के दामाद ही बन गए तो वही वहाँ के किंग बने गए, है ना। या फिर दूसरा एक होता था लड़ने का, तो उन्होंने मेरी लाइन से राजपूतों के साथ किया, राजपूतों के साथ किया। भरमाल, द रूलर ऑफ अंबेर, मैरिड हिज यंगर डॉटर हरखा बाई टू अकबर, यानी सर एक राजपूत रूलर थे अंबर, है ना, उन्होंने अपनी छोटी बेटी हरखा बाई के साथ एक और से करा दी। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे जो अंबेर जो है, अंबेर जगह वो इनके कंट्रोल में आ गई। अकबर नॉट ओनली गेव कंप्लीट रिलीजियस फ्रीडम टू हिज वाइफ्स हु फॉलोड हिंदुइज्म, बट ऑल्सो गिवन ऑनर्ड प्लेस टू देयर पेरेंट्स एंड रिलेशंस इन दी नोबेलिटी। हाँ, ये सीन की बहुत अच्छी है अकबर की, अगर आपका कभी इंसान पढ़ा हो तो। इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं कि मेरे जो एम्पायर में जो लोग रहेंगे वो केवल मुस्लिम, केवल मुस्लिम को ही फॉलो करेंगे, नहीं। उन्होंने कहा आपका वो करो, इन्हें फॉलो करना वो करो, इनकी जो वाइफ थी जोधा, आपको ध्यान हो तो वो भी हिंदू भगवान श्री कृष्ण जी की क्या करती थी, पूजा करती थी, ये सब उनको लव करते थे। तो वो लिखा हुआ है कि अपनी वाइफ को फुल अथॉरिटी देते थे, फुल इंडिपेंडेंस देते थे कि आपको इनकी पूजा करनी है आप क्या करो, इनको पता है ना इनकी वाइफ हिंदू है तो हिंदुओं की पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं। उनके फैमिली मेंबर्स को एक अच्छी प्लेस वो देते थे, है ना, एक ऑनर्ड प्लेस वो देते थे अपने किंगडम में, है ना। दस द राजपूत पॉलिसी ऑफ को एंडेड द सेंचुरीज ओल्ड एनिमोसिटी बिटवीन द मुस्लिम रूलर्स एंड राजपूत। इस इनके बीच में जो सेंचुरीज से 100 सालों से जो प्रॉब्लम चली आ रही थी वो खत्म हो गई। सिंस द राजपूत वर मेड इक्वल पार्टनर्स इन द मुगल गवर्नमेंट, और इससे क्या हुआ, राजपूत और मुगल गवर्नमेंट थोड़े इक्वली पार्टनर्स बन गए एक तरह से कंट्री में। इट कंसिडरेबली अफेक्टेड द पब्लिक पॉलिसी ऑफ मुगल्स एंड ग्रेटली हेल्प द ग्रोथ ऑफ द कंपोजिट कल्चर। इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा, और कंबाइन करके देखा जाए तो एक अच्छा इफेक्ट पड़ा, ठीक है। स्टेप्स टूवर्ड्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब एक करना, कंबाइन करना, तो कैसे उन्होंने अब किस चीज़ को एक करने की बात करते हैं और कैसे किया वो ज़्यादा पढ़ते हैं। अकबर टुक अ नंबर ऑफ मेजर्स टू प्रमोट ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द हिंदू एंड द मुस्लिम, उन्होंने काफ़ी सारे मतलब स्टेप्स लिए ताकि हिंदू और मुस्लिम आपस में एक दूसरे समझ सकें, ठीक है, यानी हिंदू मुस्लिम को करने के लिए उन्होंने काफ़ी स्टेप्स लिए। थ्रू दिस मेजर्स ही क्रिएटेड एन एटमोसफेयर एंड विच लिबरल व्यूज कुड ग्रो एंड फ्रेंडली कल्चरल एंड इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल कुड डेवलप। उन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स लिए, है ना, जिसमें कि लोग आपस में मिल सकें, उसके लिए उन्होंने क्या क्या किया ये पढ़ने था। अकबर एबोलिस्ट द रिकॉर्डिंग हो रही है, अकबर एबोलिस्ट द पोल टैक्स और जिज्या, बिकॉज द नॉन मुस्लिम वर रिक्वायर्ड टू पे, यानी एक पोल टैक्स होता था जिसको जिज्या भी कहते हैं, जो केवल नॉन मुस्लिम लोगों को पे करना होता था, तो उससे नॉन मुस्लिम को पे करना मुस्लिम को नहीं करना पड़ता था, यानी तो कैसे बेनिफिट दे रहे थे मुसलमानों को, है ना। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसा कोई बेनिफिट उनको नहीं देंगे, हम सभी को बेनिफिट देंगे, सब हमारे लिए बराबर है, तो जो नॉन मुस्लिम को जो पे करना पड़ेगा टैक्स वो नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। ही ऑल्सो अबॉलिश पिलग्रिम टैक्स, हम बाथिंग एट होली प्लेस, होली प्लेस पर अगर आप जाते हो, हम बात करते तो वहाँ पर आपको एक टैक्स देना पड़ता था, तो वो आपको टैक्स नहीं देना, सदस प्रयाग बनारस ऐसे वहाँ पर जाते हो नहाते हो तो आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। फर्दर इज अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ फोर्सिवली कन्वर्टिंग प्रिजनर्स ऑफ वॉर टू इस्लाम, है ना, जिन जिन जो से अपने कैदियों को इस्लाम में कन्वर्ट कराने का, ये भी उन्होंने बंद करा दिया। ऑल दीज स्टेप्स लेड द फाउंडेशन ऑफ अ सोसाइटी बेस्ड ऑन इक्वल राइट, इस तरह से एक सोसाइटी ने जहाँ पे सबको लगना कि इक्वल राइट्स हमें मिलते हैं एज रेस्पेक्टिव द रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस पॉइंट क्या है, रिलीजियस पॉइंट क्या है, कोई दिक्कत नहीं, पहला तो ये था। दूसरा, टू स्ट्रेंथन द लिबरल प्रिंसिपल्स अकबर एनरोल्ड द नोबिलिटी हिंदूज इनटू द नोबिलिटी, अकबर ने काफी सारे हिंदूज को अपने यहाँ पे शामिल किया। वेल मोस्ट ऑफ दीज वर राजपूत राजा, मोस्टली यहाँ पे राजपूत राजा थे, मैनी ऑफ होम एंटर इंटू मैट्रीमोनियल अलाइज, सारे के सारे फ्रेंडशिप रिलेशनशिप हो के अकबर के राजा मानसा, है ना, वर गिवन टू अदर ऑन द बेस ऑफ देयर कॉम्पिटेंस, ठीक है। इन 1575 अकबर बिल्ट अ हॉल्ट कॉल्ड इबादत खान, इबादत खाना, और द हॉल ऑफ प्रेयर, इबादत खानों के इंग्लिश में बोलते हैं हॉल ऑफ प्रेयर, एट फतेहपुर सीकरी एट द सोल ही यूज टू कॉल सेलेक्टेड थियोलॉजिशियंस
ऑफ विद ऑल ऑल रिलीजन, यानी हर तरह के लोगों के, हर तरह के रिलीजन के लोगों को बुलाता था, मिस्टिक्स एंड इंटेलेक्चुअल लोगों को, और डिस्कस करते थे रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल मैटर उनके साथ साथ, यानी यानी कि अपने रिलीजन की बात करता हूँ, सभी रिलीजन की बात करते थे वहाँ पे, है ना, समझते थे उन चीज़ों को, अच्छी बात है। अकबर प्रोमलगेटेड अ न्यू फेथ कॉल्ड दिन इलाही, दिन ए इलाही, दिन ए इलाही, इट वॉज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ वननेस ऑफ गॉड। इन्होंने एक पॉलिसी चली दिन ए इलाही, यानी कि भगवान एक ही है, ठीक है, अच्छी बात है। द न्यू रिलीजन स्टेस ऑन वर्च्यूज लाइक करेज, लॉयल्टी एंड जस्टिस, इट ऑल्सो डिमांडेड लॉयल्टी टू एम्परर। सर इस पॉलिसी के अंदर ऐसे नहीं कि पूरे पब्लिक ही लॉयल रहे, जो एम्परर उसको भी लॉयल रहना पड़ेगा। द बेसिक पर्पज ऑफ फॉर्मिंग दिन इलाही वॉज सर्कुलर और यूनिवर्सल हार्मनी बेसिक गवर्न ऑल द पब्लिक पॉलिसी ऑफ अकबर। सर इस पॉलिसी को लाने का सिंपल ये था कि उनके एम्पायर में जिन लोग आते हैं वो सारे बस एक हो जाएं, यूनाइट हो जाएं। अकबर सेट अप अ बिग ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट फॉर ट्रांसलेटिंग वर्क इनटू संस्कृत, अरेबिक एंड ग्रीक इनटू पर्शियन, यानी संस्कृत में, अरेबिक लैंग्वेज में, है ना, या फिर ग्रीक लैंग्वेज में जो भी होते थे उनके वर्क, उन सबों को किस में ट्रांसलेट करके रख दें, उनके अरेबिक लैंग्वेज में कर दें। तो इसके लिए उनके पास एक बहुत बड़ा ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने सेटअप किया था। दस सिंहासन 32 अथर्ववेद एंड द बाइबल बट टेकन अप फॉर ट्रांसलेशन। सिंहासन 32 अथर्ववेद और बाइबल जो थी, द बाइबल ट्रांसलेशन के, उन सबको ट्रांसलेशन के लिया गया। दीज आर फॉलोड बाई दी प्रिंट के बाद कुरान को भी पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया। महाभारत, द गीता, द रामायण एंड सबों को भी ट्रांसलेट किया गया, तभी तो पढ़ पाते अगर उनको पर्सन आते थे अच्छे से। सोशल एंड एजुकेशन रिफॉर्म्स, आपको इंट्रोड्यूस अ नंबर रिफॉर्म्स, एजुकेशन रिफॉर्म्स, आपको इश्यूड ऑर्डर्स टू दी कोतवाल्स टू चेक द फोर्सिबल प्रैक्टिस ऑफ सती और बर्निंग ऑफ विडो ऑन द फनल पायर ऑफ हरप्पन। दो सेकंड रुकने जरा। हेलो हेलो, हो गई क्लास, में पढ़ा रहा हूँ मैं, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, ठीक है। हेलो, हाँ, कोतवाल एक तरह से पुलिस वाले समझ लो, है ना, कोतवाल में पुलिस वाले, है ना। तो अकबर ने अपने सिपाहियों को बेसिकली ऑर्डर दिया कि चेक करो और देखो कहाँ है फोर्सिबल प्रैक्टिस, यानी जबरदस्त लोगों से प्रैक्टिस कराई जा रही है किस चीज़ की, सती की। सती मतलब एक वाइफ को, एक विदुर को, बेसिकली एक विडो को, उसके हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ जलाया जा रहा हो, है ना, इन चीज़ों को चेक करो। हाउ एवर द वुमेन हु कम्प्लीट सती ऑफ देयर ओन फ्री विल वर अलाउड टू डू सो। तो उन्होंने कहा कि जहाँ पे कंपल्सरीली हो रहा है, जबरदस्ती लोगों, लड़कियों को जलाया जा रहा है, जबरदस्ती इन विडोज को जलाया जा रहा है, उनको तो रोको, और जहाँ आज ये विडोज अपनी इच्छा से अब जलना चाहती हैं तो उनको फिर करने दो ये काम, है ना। आपको लीगलाइज ब्रो रीमैरिज, सब ब्रो लोग दोबारा शादी कर सकें, इन्होंने लीगलाइज किया। अकबर वॉज अगेंस्ट एनी वन हैविंग मोर देन वन वाइफ अनलेस द फर्स्ट वाइफ कुड नॉट बियर चिल्ड्रन। अकबर वॉज अगेंस्ट एनी वन हैविंग मोर देन वन वाइफ, ठीक है, अनलेस द फर्स्ट वाइफ कुड नॉट बियर, हाँ, अकबर का कहना था कि आप एक साथ शादी नहीं कर सकते, आप एक साथ वाइफ नहीं रख सकते हो। अकबर था इनके कुछ 4-5 दिन, इन्होंने बोला कि आप एक से ज़्यादा वाइफ नहीं रख सकते हो, हाँ, फिर उन्होंने डाली एक कंडीशन, हाँ, आप एक से ज़्यादा शादी कर सकते हो ओनली तब अगर आपकी पहली बीवी के कोई बच्चे नहीं है तो, ठीक है। अकबर रेज द एज ऑफ मैरिज टू 14 फॉर गर्ल्स एंड 16 फॉर बॉयज, इन्होंने शादी की एज बढ़ा कर रखी कि लड़कियों की शादी अब तब कर पाओगे 14 साल लोगों की हो, लड़कियों की शादी का जब 16 साल की हो। अकबर रिवाइज द एजुकेशन सिलेबस, ओके, लेइंग मोर एम्फेसिस ऑन मोरल एजुकेशन एंड मैथमेटिक्स एंड ऑन सेक्युलर सब्जेक्ट्स सच एज एग्रीकल्चर, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, लॉजिक एंड हिस्ट्री। आप खुद से पढ़ते संस्कार होंगे, मतलब कितने अच्छे अच्छे काम किया अकबर ने, इसलिए इसको अकबर द ग्रेट कहा जाता है ना। द अदर मुगल एम्परर्स ऑल्सो वर पैटर्न्स ऑफ एजुकेशन, लोगों को भी मतलब पढ़ने का शौक था, एंड देर वॉज कंसिडर डेवलपमेंट इन दिस एरिया, टाइम पर काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ। In fact, one of the duties of the public work department, सोहर आई एम नहीं है वो, सोहरे एम है, सोहरे आम,
सुहरे आम है ना, उनका काम ही क्या था कि स्कूल बनाए, कॉलेजेस बनाए। जहांगीर पास लॉ, जहांगीर जो थे अकबर के बेटे, उन्होंने एक लॉ पास किया वेयर बाय, जिसके वजह से इफ अ रिच मैन वॉज टू डाई विदाउट एन हेयर, अगर एक कोई रिच मैन मर रहा है, उसकी डेथ हो रही है, उनका कोई सक्सेसर नहीं है, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं, तो कुछ एसेट्स वुड बी यूज्ड बाय द स्टेट, तो उनकी प्रॉपर्टी को स्टेट गवर्नमेंट यूज़ करेगी ताकि वो अपने डेवलपमेंट कर सकें इन एजुकेशन पर्पजेस के लिए। शाहजहाँ ऑल्दो मोर इंटरेस्टेड इन बिल्डिंग मोनूमेंट्स, शाहजहाँ भी काफ़ी इंटरेस्टेड थे इन चीज़ों में, मोनूमेंट्स बनवाने में, टुक सम सिग्निफिकेंट एजुकेशन इनिशिएटिव लाइक प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप टू असिस्ट स्टूडेंट्स, स्कॉलरशिप भी चलाई उन्होंने। फीमेल एजुकेशन ऑल्सो एग्जिस्टेड इन सम फॉर्म, इन सम फॉर्म प्रॉपरली नहीं, पर किसी ना किसी तरह से फीमेल एजुकेशन भी, गर्ल्स एजुकेशन भी वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। गर्ल्स फ्रॉम दिस फैमिलीज वर यूजुअली एबल टू हैव एन एजुकेशन, ओके, थ्रू प्राइवेट ट्यूशन एट होम, ओके, यानी गर्ल्स पढ़ सकती थी, लेकिन वो भी कैसे, घर पर उनको पढ़ाने के लोग आते थे तो बाहर नहीं आते थे। द मिडिल क्लास गर्ल्स वर यूजुअली एबल टू अटेंड द सेम स्कूल्स एज यू वर, ओके, और जो मिडिल क्लास गर्ल्स होती थी वो स्कूल भी जा सकते थे। ख़त्म हो जाए, चलो ट्राई करते हैं ख़त्म करने का। नहीं, कितने पेज आ गए, एक तो ये है, दो, चलो देखते हैं। औरंगजेब सर मुगलों में सबसे गलत इंसान, आप कहोगे अभी, मैंने कहा आप कहोगे सर। औरंगजेब असेंडेड द थ्रोन आफ्टर लॉन्ग एंड फियर्स स्ट्रगल विद हिज फादर, देखो अपने फादर के साथ स्ट्रगल हुआ इनका, एंड थ्री ब्रदर्स, और अपने तीन भाइयों के साथ। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को एक रूम में बंद करके रखा। ताजमहल के, अगर आप कभी ताजमहल में विजिट किया तो आपने देखा होगा ताजमहल के पास एक रेड कलर का एक छोटा ताजमहल भी दिखेगा आपको, रेड कलर का, रेड मार्बल्स का। तो माना जाता है कि शाहजहां ने अपने फादर को उसमें कैद कर दिया था, इस औरंगजेब ने अपने फादर को, शाहजहां को उसमें कैद कर दिया था। हिज लॉन्ग रिन ऑफ 50 ईयर्स वॉर डिवाइडेड टू वॉर्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उसने 50 साल तक रूल किया, हर पूरे 50 साल उसने जो किया लड़ाई में निकाले। एट इट साइट हिज रूल एक्सटेंडेड ओवर ऑलमोस्ट एंटायर सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू लेबर काबुल इन द साउथ एंड फ्रॉम काबुल इन द वेस्ट टू चित्तगोंग इन द ईस्ट। हाँ, और उसने क्या किया, बहुत अपने एम्पायर को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड किया। ही रिवर्स अकबर पॉलिसी, उसने तो अकबर की पॉलिसी को बिल्कुल ही उल्टा कर दिया, रिलीजियस टॉलरेंस। ही स्पेंट लास्ट रीन अटेम्प्टिंग सप्रेस रिबेलियन, उसके तो लास्ट रूलिंग के जरिए चल रहे थे उस टाइम पे, तो लोग उसके अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, अंडर औरंगजेब द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स लार्जेस्ट एक्सटेंट, इसके मतलब इनके कंट्रोल में जब ये थे, जब मुगल एम्पायर इनके कंट्रोल में था औरंगजेब के, तो बस अपनी अंतिम सांसें कट रहा था। अब बेशक वो काफ़ी ऊपर लार्जेस्ट सेक्शन में पहुंच चुका था, बट ऑल्सो विटनेस अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, लेकिन काफ़ी पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस आने लगे। औरंगजेब जीव की डेथ 1707 में हो गई, वो पूरा का पूरा एम्पायर छोड़ गया, बेस वॉज ऑन दी वर्ज ऑफ कॉलेप्स, जो कि तबाह होने ही वाला था। यानी कि आप कह सकते हो कि इसके लास्ट रूलर रहे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल्स, रिकॉर्डिंग हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द मुगल्स, द मुगल एम्पायर एस्टैब्लिश्ड अ सेंट्रलाइज्ड स्टेट बेस्ड, स्टेट है ना, बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर, उन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड पोजीशन बनाई मुगल एम्पायर, उन्होंने बेस्ड ऑन मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर के बेस पर है ना। इट रेस्टेड ऑन टू प्लेयर्स, दो प्लेयर उन्होंने सेट किए, द एब्सोल्यूट अथॉरिटी ऑफ एम्पायर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी, कि सर एक तो अथॉरिटी एम्पायर की रहेगी रहेगी और एक पावर रहेगी आर्मी की, यानी उन्होंने दो चीज़ों की इंपॉर्टेंस दी, एक एम्पायर की पावर को और एक आर्मी को, है ना। हाउ एवर द मुगल रूलर्स मेड अ कॉन्शियस अटेम्प्ट टू अकोमोडेट द प्रीवेलेंट इन द ट्रेडिशंस प्रीवेलेंट इन द कंट्री, और उन्होंने बहुत सारे ये भी किए कि वो जितने भी ट्रेडिशंस चल रहे हैं, रिलीजन चल रहे हैं, सबों को अकोमोडेट कर सकें और एक कंबाइन कर सकें। मोनार्क, मोनार्क मतलब किंग्स, मोनार्क मतलब किंग का एक नाम है। तो देर आर नंबर ऑफ रेफरेंसेज इन द कोर्ट क्रॉनिकल्स ऑफ द मुगल्स, विच शो, सर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इन द सीरीज मुगल्स के कोर्ट में, दैट शो विच
which is so the belief that power of Mughal kings came directly from God. ऐसा माना जाता है कि मुगलों के पास पावर आई थी सिर्फ भगवान से आई थी. According to Abul Fazl, the office of a true ruler was a very responsible one which depended on divine illumination. वो कह रहा है कि ऐसे रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, ऐसे रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है जिसको माना जाता है कि इसके पास ये भगवान का दर्जा रखता है. यानी अगर किसी इंसान को भगवान माना जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. तो वो ये कहना चाह रहे कि अबुल फजल कहते थे क्योंकि इनको ऐसे माना जाता था कि पावर भगवान से आ रही है, ये भगवान ही है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी. दस द मुगल मुगल एम्परर एंड रोड विद द डिवाइन लाइट वाज रिगार्डेड एज द वाइस रीजेंट ऑफ गॉड ऑन द अर्थ. जैसे माना जाता है इनको पावर भगवान से मिली है. ही रूल्ड द एम्पायर विद पैटर्नल लव टुवर्ड्स हिज सब्जेक्ट्स विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ सेक्ट और क्रीड. सेक्ट मतलब रिलीजियस और क्रीड मतलब उनका उनकी जाति है ना, तो उनके जाति धर्म के आधार पर उनमें कोई डिफरेंस नहीं किया जाता था. उनके जो सब्जेक्ट्स थे यानी उनके एम्पायर में जो लोग रहते थे प्रजाति, वो इनको काफ़ी प्यार करती थी या पसंद करती थी. द एम्परर सिवाय औरंगजेब वाले को छोड़ के द एम्परर जो था वो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी और आर्मी का हेड होता था. ही वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स एंड दी अपॉइंटेड एंड वर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय हिम. बाकी कमांडर जो होते थे स्टेट वगैरह के या उनसे लोअर अथॉरिटी के, तो उनको वो एम्परर ही अप्रूव अपॉइंट करते थे, कोई वही रिमूव करते थे. ही मेड लॉज एंड इशूड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डिनेंसेस, काफ़ी लॉज वगैरह बनाते थे वो. द रॉयल उजुक स्मॉल सिंगेट रिंग वो अफिक्स टू फरमान्स ग्रांटिंग अपॉइंटमेंट्स टाइटल जागीर. ठीक है, उन्होंने कुछ रॉयल उजुक निकाले रिंग की तरह है ना, ताकि अपने फरमानों में देखो ऑर्डर जारी करना, तो ऑर्डरों में एक सिंबल की तरह उन्होंने लगाना स्टार्ट किया है ना. मिनिस्टर्स उनके मिनिस्टर्स के बारे में पढ़ते रहे. इन द डेज ऑफ बाबर एंड हुमायूं देयर यूज्ड टू बी प्राइम मिनिस्टर. उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था नोन एज वकील, जिसको वकील कहा जाता था. ओके, प्राइम मिनिस्टर को वकील कहते थे सर उस टाइम पे, आज के वकील को तो लॉयर कहते हैं. हु वॉज इंटरेस्टेड विद लार्ज पावर्स इन द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स. उनके पास सिविल मैटर में मिलिट्री मैटर में बहुत ज़्यादा पावर होती थी. ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स द अकबर सिद्दीन बेरम खान वॉज वकील. ओके, यानी अकबर के टाइम में बेरम खान कौन थे, वकील थे, यानी पीएम थे उस टाइम पे ना. हाउएवर आफ्टर बेरम खान डेथ द ऑफिस ऑफ वकील वाज स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल इट्स पावर्स एंड इट बिकेम मोर लेस ऑनरी. बेरम खान के बाद ये पोजीशन चली गई, इस पोजीशन के लोगों की इज्जत भी नहीं रही है ना ज़्यादा. द हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट वॉज द वजीर. सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो हेड होता था वो वजीर होता था. ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, दीवान या फिर दीवान आला, आला ले आला दीवान आला. द दीवान वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर. बिल्कुल, द हेड ऑफ मिलिट्री, सर मिलिट्री के हेड कौन होते थे, मेर बख्शी वॉज ऑल्सो हेड ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्फॉर्मेशन एजेंसी ऑफ एम्पायर. जुडिशियरी में बात की तो जुडिशियल डिपार्टमेंट, देखो अब इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, यहाँ पर तो याद करने वाली चीज़ें हैं सारी, और बल्कि यहाँ पे तो आती याद करने वाली तो यहाँ पे आगे बहुत ज़्यादा. ठीक है, इसमें पढ़ता जा रहा हूँ मैं. जुडिशियल डिपार्टमेंट वॉज हेडेड बाय, जुडिशियल डिपार्टमेंट की बात की जाए तो उसके हेड कौन थे, होते थे काजी, इनको काजी कहते थे. द पोस्ट वॉज समटाइम्स कम्बाइंड विद डेट ऑफ चीफ सदर हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल शेड्यूल रिलीज मैटर. अब वो कह रहे हैं पोस्ट को कभी कंबाइन कर जाता था, यानी दो लोगों को कभी कभी हेड बना दिया जाता था है ना. ऐसा वो दूसरे संग होता था चीफ सदर, जो कि थोड़े चैरिटेबल कामों में भी इन्वॉल्व रहते हैं. प्रोविंशियल मतलब स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं. अकबर पेड ग्रेट अटेंशन टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट. द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 12 प्रोविंसेस. ओहो, पूरा एम्पायर का 12 राज्यों में, जिसको सुभा भी बोलते थे उसमें डिवाइड था, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया इंटू सरकार, हर सरकार को द्वारा से डिवाइड किया गया. परगनाज और महल, महल है ना, सिटी डिस्ट्रिक्ट नहीं कह रहे, महल कह रहे हैं. ये सुबह वॉज हेडेड बाय वन गवर्नर. हर सुबह का एक गवर्नर होता था जिसको
सूबेदार 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 बोलते थे, या सिपा सलार, या फिर नजीम नाजिम बोलते थे। ठीक है, ही वॉज यूजली मान सबदार, है ना, मन सबदार, मान सबदार ही बोलते थे ना, मान सब मन सबदार ऑफ हाई रैंक। ही इज अ फंक्शन रिक्रूट मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये ठीक, वो ये भी कर रहा था। एनफोर्समेंट मतलब एनफोर्स करना, किसी चीज़ को लागू करना। एनफोर्समेंट ऑफ एम्पीरियल डिक्रीज, डिग्री मतलब ऑर्डर, है ना, ऑर्डरों को फुलफिल करना। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस, स्मूथ कलेक्शन रेवेन्यू, ठीक है, ये सारे काम को करते थे। द प्रोविंशियल दीवान वॉज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोविंस, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज सिमिलर टू दोज ऑफ सेंट्रल दीवान। सर, जो स्टेट का जो दीवान होता है, स्टेट का जो पीएम होता था, पीएम है, रेवेन्यू का जो हेड होता था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल के दीवान जैसी होते थे। बिसाइड द सूबेदार, सूबेदार सूबेदार के अलावा दीवान होते थे, सॉरी दीवान और सूबेदार के अलावा द अदर इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स इन द प्रोविंसेस, बट इनके अलावा भी सर और लोग थे, फौजदार, कोतवाल, बख्शी, सदर काजी, मोहतसिब, है ना। द सेंटर अपॉइंटेड द ऑफिसर्स ऑफ दिस प्रोविंसेस, सरकार परगनाज, हेंस दीज डिविजन आर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द सेंटर। मान सबदारी सिस्टम, द मान सबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय अकबर वाज अ यूनिक फीचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर। सर, ये जो सिस्टम था, ये काफ़ी यूनिक सिस्टम था उनका। सर, क्या होता था सिस्टम में? अंडर द सिस्टम एवरी ऑफिसर वाज असाइंड अ रैंक, हर ऑफिसर को एक रैंक मिलती थी। दस द टर्म मान सबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मानसब, यानी जिसको एक रैंक मिलती हो, मीनिंग द पोजिशन ऑफ रैंक, है ना। द मान सबदार फॉर्मड द रूलिंग ग्रुप इन द मुगल एम्पायर, उन्होंने एक रूलिंग ग्रुप बनाया। ऑलमोस्ट द होल नोबिलिटी, द ब्यूरोक्रेसी एज वेल एज द मिलिट्री हायरार्की हैड मानसब। सर, हर जगह पे देखा है, हर जगह पे मानसब थे, यानी हर जगह के लोगों के पास कुछ ना कुछ रैंक होते थे। द लोवेस्ट रैंक इन द सिस्टम वाज 10, सबसे सबसे पहले रैंक होती थी, सबसे छोटे रैंक होती थी 10, और सबसे बड़ी रैंक होती थी 5000। इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाई मुगल्स टू फिक्स रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। दीज रैंक्स वर डिवाइडेड इनटू टू, सर दो पार्ट्स में रैंक को डिवाइड किया गया, जाट सबर, जट बोलो, जट सबर, जो भी बोलना है ना। चलो, ये जट क्या करता, जट फिक्स्ड द पर्सनल स्टेटस ऑफ अ पर्सन एंड द सैलरी ड्यू टू हिम, द हायर द जट द मोर प्रेस्टिजियस वॉज द नोबल पोजिशन इन द कोर्ट एंड द लार्जर सैलरी, यानी जितनी बड़ी ज़्यादा उसकी जट है, उतना ही ज़्यादा उसकी रेस्पेक्ट होगी, उतनी ज़्यादा उसकी सैलरी होगी। द सबर सर क्या करता था, द सबर रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ कावली मैन या फिर सावर ऑफ मान सबदार वॉज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। फॉर एवरी 10 कावलरी मैन द मान सबदार हैड टू मेंटेन 20 हॉर्सेस, ठीक है। द मान सबदार रिसीव्ड देयर सैलरीज एज रेवेन्यू असाइनमेंट्स कॉल्ड जागीर जागीर जागीर, है ना। हाउएवर मोस्ट ऑफ मान सबदार डिड नॉट एक्चुअली रिजाइड इन द एडमिनिस्टर रिजाइड और एडमिनिस्टर देयर जागीर, है ना। दे ओनली हैड राइट्स टू द रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट व्हिच वाज कलेक्टेड फ्रॉम देम बाय देयर सर्वेंट्स व्हाइल द मान सबदार सब देमसेल्व्स सम अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जागीर मेंटेन द मान सबदारी सिस्टम डेवलप्ड बाय अकबर, जागीर ने इस सिस्टम को मेंटेन किया, बट ही रेज्यूज द एवरेज रेट ऑफ जाट सैलरी फ्रॉम 240 पर एनम टू 200 रुपीज, लेकिन उन्होंने सर थोड़ी सी सैलरी इनकी कम कर दी है। शाहजहाँ रेड्यूस द नंबर ऑफ सावर्स, उन्होंने ये भी नंबर भी कम कर दिया, शाहजहाँ ने। सावर्स अ नोबल वॉज रिक्वायर टू मेंटेन, दस अ नोबल वॉज एक्सपेक्ट टू मेपर मेंटेन अ कोटा, कोटा मतलब एक लिमिट ऑफ ओनली 1/3 ऑफ हिज सावर रैंक, है ना। वो अपने अपने रैंक का केवल 1/3 लोगों को शामिल कर सकता है, एंड इन सम केसेस 1/4, कभी कभी 1/4 है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ औरंगजेब, औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ, देयर वाज अ ह्यूज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ मानसबदार, काफ़ी सारी इंक्रीजेज स्त्री ने भरवाई होंगी, है ना। दीज एंड अदर फैक्टर्स क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन द नंबर ऑफ जागीर, इसकी वजह से काफ़ी जागीरों की कमी पड़ गई। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ मेजरमेंट वॉज इस्टेब्लिश फॉर कैलकुलेटिंग द लैंड टैक्स, सर लैंड टैक्स के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए। टोडरमल, टोडरमल नाम है, डू अप स्कीम्स, उन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स बनाई फॉर इफेक्टिव टैक्स कलेक्शन, दिस सिस्टम एंड दिस स्टेट ट्रेजरी, इससे जो स्टेट का जो खजाना था वो भर गया। द स्टेट ऑल्सो गिव लोन्स टू पुअर फार्मर, स्टेट जो है गरीब लोगों को, गरीब फार्मरों को लोन भी देती थी।
असर दिस इन प्रोग्रेस से काफ़ी सारी प्रोग्रेस हुई एग्रीकल्चर में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में। ये है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, पता नहीं क्यों मैं कह रहा हूँ, पढ़ लेने वो घर पे, क्योंकि हिस्ट्री में ना अगर ईयर्स याद नहीं है तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री इनकम्प्लीट रह जाती है। ठीक है, बाकी तो सारी अब आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, कर लेना। यहाँ पे अगर आपसे नहीं पूछे ना, मैं कह रहा हूँ टाइम में आपसे इन क्वेश्चन से नहीं पूछी है, फिर भी कोई बात नहीं, इनको याद आप करना, फिर भी इनको आप याद करना, फिर भी इनको आप याद करना। आपसे नीचे क्वेश्चन में नहीं पूछी गई, कोई बात नहीं, बस फिर भी आप इनको याद करना। और याद ऐसे मत करना आप एकदम बैठ गए एकदम से पहले, नहीं, डेली 15-15 मिनट निकाल के इसको 2 मिनट रीड कर लिया करो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ऑफ करते हैं। कोई और चैप्टर आपको अगर अर्जेंटली कराना हो तो आप मुझे सेंड कर देना, नहीं तो फिर मैं पुराने चैप्टरों को लेना स्टार्ट करूँगा। ठीक है।